करवा चौथ का यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। पति की आयु लंबी हो, स्वस्थ और सुखी रहे, इस दिन माताएं पत्नियां भूखी रहती हैं दिन भर। और ये करवा चौथ का व्रत साल में एक बार इसलिए आता है कि पति पत्नी की यदि खटापटी है तो करवा चौथ के दिन कम से कम बेचारी आपके लिए दिन भर से भूखी है, अपने गुस्से को भुलाकर, अपनी पुरानी बातों को भुलाकर जाओ और वो आपकी लंबी आयु के लिए व्रत उपवास करती है, भगवान की पूजा करती है, चंद्रमा को अर्घ देकर प्रसन्न करती है। तो आपका भी धर्म है कि आज अपने हाथों से उसे कुछ खिलाकर उसके व्रत पूरा किया जाए। तो पुरानी बातों को भूलकर और पति पत्नी के जीवन में एक नए प्रेम के साथ नई जिंदगी की शुरुआत हो, ये करवा चौथ व्रत का उद्देश्य है। इस करवा चौथ व्रत का उद्देश्य केवल इतना है कि पति पत्नी में प्रेम बना रहे, एक दूसरे का विश्वास कमजोर ना पड़े, क्योंकि रिश्तों को चलाने के लिए ना सब्जी दाल स्वादिष्ट तब होती है जब बराबर मात्रा पर नमक भी हो, हल्दी भी हो, धनिया भी हो, मसाले भी हो, तब स्वाद आता है। उसी प्रकार जीवन में सबका स्वाद चाहिए, थोड़ा प्रेम भी चाहिए, थोड़ा रूठना मनाना भी चाहिए। रिश्तों में सबकी जरूरत पड़ती है और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है विश्वास की। पत्नी का विश्वास न टूटे पति के प्रति और पति का विश्वास, मैं तो आपसे कहूंगा इस करवा चौथ पे एक दूसरे को वादा कीजिएगा, पत्नी और पति दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेकर वचन दीजिए एक दूसरे को कि मैं आपका वादा, आपका वचन, आपके विश्वास को मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, मैं आपके विश्वास की रक्षा करूंगी। और पति भी वचन दे के मैं तुम्हारे विश्वास की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। पत्नी कहे कि मैं अपने पति के अतिरिक्त कभी किसी की ओर मैं दृष्टि उठाकर, आंख उठाकर भी ना देखूं, तो पुरुष भी ये वचन ले कि मैं भी तुम्हारे सिवा किसी पर नारी को आंख उठाकर ना देखूं। और मैं एक बात बताऊं, जब पति पत्नी में पूरा पूरा प्रेम होगा, समर्पण की भावना होगी, तो फिर किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो करवा चौथ के इस व्रत को एक अनोखे अंदाज से आप इस बार रखिएगा और एक नई प्रतिज्ञाओं के साथ इन रिश्तों में और जकड़ जाइएगा, बंध जाइएगा, रिश्ते और गाढ़े हों और मजबूत हों। सूर्य भगवान को, चांद को अर्घ देने का सही समय रात्रि 8 बजे के बाद का मुहूर्त बताया गया है विद्वानों के माध्यम से। तो आपका ये व्रत, जब चांद का दर्शन हो जाए तभी आप इस व्रत को पूरा करिएगा। अच्छा, करवा चौथ का मतलब है, करवा एक मिट्टी के बर्तन का नाम होता है और उसमें चलनी में दिया रखकर स्त्रियां अपने पति का मुंह देखती हैं, क्या ये बात सही है? तो चलनी पर ही दिया रखकर मुंह क्यों देखा जाता है मेरी माँ? सुपड़े पर दिया रख के मुंह क्यों नहीं, या अन्य किसी और चीज पर? अब आप कहेंगे कि उसमें बीच से आर पार देखने की व्यवस्था होती है, तो व्यवस्था तो आर पार देखने की और भी साधन से हो सकती थी। चलनी से ही अपने पति का चेहरा क्यों देखा जाता है? और एक बात ध्यान से देखिएगा, चलनी का जो मुंह होता है वो पत्नी की तरफ होता है, क्योंकि इस तरफ दिया रखा जाता है, और चलनी की जो पीठ होती है वो पति की तरफ होती है, उससे ही वो पति का चेहरा देखती है। क्यों ऐसा है, कभी सोचा है इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण क्या हो सकता है? चलनी का गुण क्या है? चलनी का गुण है कि वो कचरे को बचाकर रख लेती है, अच्छाई को आगे की तरफ फेंक देती है, सही है? तो पत्नी का प्रेम देखिए पति के प्रति कितना है कि पत्नी उस चलनी के मुंह की तरफ खड़ी होती है और मानो ये कहती है कि यदि हमारे और आपके जीवन में कोई बुराई है तो वो बुराई मेरी तरफ रह जाए
और अच्छाई आपकी तरफ चली जाए। ये पत्नी का प्रेम है जो चलनी के इस कार्य से एक स्त्री अपने पति को ये कहना चाहती है कि मैं आपके जीवन की इस रिश्ते की हर बुराई मैं अपनी तरफ लेती हूँ और आपकी तरफ केवल खुशियाँ हों, अच्छाई हों। पत्नी जो होती है ना, वो पति की खुशी में ही अपने आप को खुश महसूस करती है। पति का दुख ही उसका दुख, पत्नी का अपना कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। ये समर्पण का त्यौहार है करवा चौथ, और हर स्त्री के सम्मान को हम पुरुष लोगों का धर्म है कि हम स्त्री का सम्मान करें, स्त्री जात का सम्मान करें, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो। पत्नी का भी सम्मान बहुत करना चाहिए। और करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में पति पत्नी के रिश्ते जब अच्छे होते हैं ना, जब पति पत्नी सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनके जीवन में जब सुख होता है तभी मन भगवान में भी लगता है, सत्संग में भी लगता है, आने जाने में भी लगता। पति पत्नी में यदि झंझट बनी रहे तो मन कहीं नहीं लगता। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता मधुर होना चाहिए। इसलिए पत्नी से प्रेम कैसे करना चाहिए, जैसे तुलसीदास जी करते हैं। और पत्नी का क्या धर्म है कि जैसे पत्नी अपने पति को, तुलसीदास जी की पत्नी ने अपने पति को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया, आपका पति यदि आपसे प्रेम करता है तो आप अपनी तरफ से उसे भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करो। ये पत्नी का धर्म है। जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी होती है। इसलिए पत्नी का धर्म है कि आप अपनी गृहस्थी में रहकर प्रेम पूर्वक, शास्त्र कहते हैं कि पतिव्रता नारी जिसके मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी, गले में मंगलसूत्र, पतिव्रता नारी आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और आपको पतिव्रता नारी का दर्शन हो जाए तो आपका कार्य सिद्ध होता है केवल नारी के दर्शन से। पतिव्रता नारी शुभ सूचक होती है, सुहागन स्त्री शुभ सूचक होती है। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप सब ये गाती हो कि मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। ओ मैया जब तक जीऊं, ओ भगवान जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जब तक जिए आप सदा सुहागन रहें। करवा चौथ के इस व्रत में भगवान आपको सदा सुहागन रखें और सदा आपके सुहाग की रक्षा करें। यही आप सबके लिए मंगल कामना।